कालनी मेघ अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र शहरी स्वास्थ्य केंद्र वाड़ी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं निदान शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन हिंगना विधायक समीर मेघे ने शुक्रवार को शहरी स्वास्थ्य केंद्र विकास नगर खड़गांव रोड वाड़ी में किया। हिंगना विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर मेघे ने कहा कि इस अवसर पर वाड़ी शहर में एक अस्पताल और एक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत आवश्यकता है और वाड़ी के लोगों के स्वास्थ्य को अच्छे स्वास्थ्य में रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। विधायक समीर मेघे ने यह भी गवाही दी कि शहर के नागरिकों को किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और स्वास्थ्य समस्याओं को तुरंत हल करने का प्रयास करेंगे। इस उपलक्ष्य पर शुक्रवार 8 जुलाई और मंगलवार 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्वास्थ्य जांच निःशुल्क होगी। शिविर में मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑस्टियोपैथी, आर्थ्रोलॉजी, सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट्री, ओरल, कैंसर और कान नाक गले विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने निशुल्क जांच की। शिविर स्थल पर उपलब्ध रक्तदान और मधुमेह जांच एवं दवाइयां निशुल्क वितरित की गई। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में अन्य जांच निशुल्क की गई। शिविर स्थल से अस्पताल तक निशुल्क परिवहन की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर आगे की जाँच की जरूरत है उन्हें अस्पताल में मुफ्त जांच की जाएगी। साथ ही जन स्वास्थ्य केंद्र सेवा, बीपी, हृदय रोग, अस्थमा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, किडनी रोग, त्वचा रोग, पीसीओडी, कान की बीमारी जैसे रोगों के लिए विशेष कार्ड मिलेगा। उद्घाटन में विधायक समीर मेघे, नरेश चड्डे, सुजीत नितिनवरे, केशव बांद्रे, आनंद कदम, विजय गंताड़े, विजय मेड़े, दिनेश कोचे, रामप्रसाद पटले, राजेश जीरापुरे, मनोज रागेट, कैलाश मंथापुरवार, अक्षय तिड़के, कमल कनुजे, प्रकाश डबरे, अभय कुणावार, योगेश शेंडे, कमलाकर इंगले, ईशांत राउत, चंद्रशेखर देशभ्रतार, रवि कामनापुरे, गोविंद राव रोडे, राकेश चिलोरे, कल्पना सखदेव, ज्योत्नाताई नितिनवरे, राजू भोले, सरिता यादव, शालिनी रागेट, नीलिमा जीरापुरे, मंगला पडोले, ज्योति भोरकर, मनोरमा येवले, सुधा पवार, फूलमती शभनकर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। मार्फत लोकांना मोठ्या प्रमाणात एक अपील आहे की या हॉस्पिटलचा आपण लोकांनी फायदा घेतला पाहिजे आणि चांगली ट्रीटमेंट, कमी दरातली ट्रीटमेंट आपण आज इथल्या माध्यमातून, या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून लोकांना देणार आपण निर्णय घेतो। कोई मी आता आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, एकनाथरावजी शिंदे साहेबांना भेटून इथला जो ग्रामीण रुग्णालयाचा विषय जो पेंडिंग आहे तोही आपण लवकरात लवकर सोडवण्याचा प्रयत्न करू असं मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। वाड़ी से NBCN न्यूज़ के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।